आखिर ये था कौन? प्रणाम बाबा। कौन? प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। अरे यार इसकी बहन का बे क्या कह रहा है ये? उसका नाम फिरदान बाबा है। फिरदान ही होगा, बाबा जरूर लगागा बरबरी के। और तू क्यों दादा लगावे बरबरी के? वो तो मैं ब्रांड हूँ। मैं हाँ वो भी तो एक ब्रांड है बरबरी के। हम क्या करें तेरा दिमाग खराब है तो? है बता दे यार बता दे। मुझे क्या पता कैसे चुराया उसने माल? बता दे यार बता दे कौन था वो? ये वैसे सुबह से दिमाग खराब कर रहा। तल्ली में बता रहा हूँ मेरा कोई नाते रिश्तेदार नहीं है वो, जो मैं उसे माल दूंगा। मुझे क्या पता वो कैसे ले गया माल? अबे बता दे गैंगलैंड कौन था वो? तेरी अम्मा का दूसरा कदम साले उसमें बोल ले उसमें, वरना तेरी ऐसी भाड़ूंगा ना दुनिया के किसी भी कोने का दर्जी खान को नसीब पागा। तो इतनी देर से बता रहा हूँ फिरदान बाबा है। फिरदान बाबा तो जाहिल, यही तो पूछ रहा हूँ कि फिरदान बाबा है कौन? फिरदान बाबा चंदन का छोटा भैया है। और सबसे अजीब बात यह है कि उसका चंदन से ही बड़ा है। साला जरूर पंचमारा होगा। पंचमारा? ये क्या हो? ये क्या हो? मुट्ठी पंच भी बोले ऐसे, समझ थोड़ा। ओ हाँ सही कह रहे हो। कंटिन्यू। फिरदान बाबा और चंदन चंदोसी के सबसे बड़े डॉन है। नहीं होगा बे चंदोसी का, ये तो मथुरा है भैये। पूरी बात तो सुन ले, वो पिछले 2 महीने से इस मथुरा में बस गए हैं। मथुरा का सबसे बड़ा डॉन पता है कौन है? नहीं पता मुझे, तू बता। पप्पू डॉन, मेरा बड़ा भैया। क्या भैया हो? एक नंबर का लौंडिया भाई। हाँ क्या पता तेरी बीवी को भी फंसा रखा हो उसने। बीवी तो है ना मेरी। आ, आ। खाला तो है। हाँ खाला तो है। बस तो फिर पप्पू खालू है तेरा। पप्पू का ही ना खालू मेरा। तो कौन है फिर? है कोई बतेरा, तुझे क्यों बताऊँ हराम के? अरे तो बता दे हराम के। अरे तो क्यों बता दूँ मैं, तू क्या मेरे रास्ते रिश्तेदार है? टल्ली देख रही है इसकी नक्शेबाजी, खालू कौन है बताने में शान घटे जा रही है तेरी। बहन के जंगली घोड़े। संजय बहुत हो गया तेरा, साले एक शब्द मत बोल दियो खालू के बारे में। क्या कर लेगा? अबे ना कर क्या लेगा ये तो बता, कर क्या लेगा? वरना तेरी खालू से दूंगा साले, जान से मार दूंगा जान से। पता क्यों ना तू खाली खालू के बारे में गलत सलाह बोल दिया। अबे साले तू हम ना है, तू है तू। मैं कहीं ना तू ही होगा बरबरी के। अब चुप हो रहा है नोरा, पर खोलू तेरी 1.25 इंच की चुटिया बनी पड़ी है। तो गूंगा सुनेगा थोड़ी। अबे साले गूंगा है वो, मेरा थोड़ी ना है। अभी रुक। हाँ तो गूंगा भाई साहब, बात कुछ ऐसी है। हाँ पतेरे मैं तो मजाक कर रहा है, पर घास की मंडी में तो तुझे हलवा पराठा खिलाऊंगा। हलवा पराठा? हाँ तुझे भी खिला दूंगा। अरे एक बात तो बता, ये तो तूने हलवा पराठा लाने की किसकी मंडी में से बोली? घास की मंडी जहरी, घास की मंडी, तू क्या समझ रहा? ओ मैं यार वो बाल की मंडी समझ रहा, बाल की। बस कौन है बे? ये कैसा जानवर है बे? भाई साहब ये कोई जानवर नहीं, बस इसकी भाषा थोड़ी विचित्र है। हैं? थोड़ी सी? अबे इसकी भाषा तो पूरी विचित्र है, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। अरे भाई साहब कुछ ना, गाली दिए बहन की छूटते ही। गाली दिए ये तो ठीक है, लेकिन ये भाषा तेरे समझ में कैसे आई? मेरे प्रधान बाबा के तो समझ में भी ना आई। चल बे होगा अपने घर का प्रधान बाबा। अबे इसकी भाषा तेरे ऐसे आडू आडू सुन मारी है। इस बुटलैंड के समझ में आ गए? बुटलैंड के? हाँ
क्योंकि इसका सिर इसी ने लिया। मैं लिया होगा बे, मैं क्या करूँ फिर? बरबरी के एटीएम आते, अगर ऐटेगा तो घर बैठेगा। क्यों बे, जानता नहीं है क्या इस प्रधान बाबा को? क्यों बे, जानता नहीं है क्या इस खलील दादा को? साले कल्याण मचा दूंगा कल्याण मिनट से पहले। साले गोली मार दूंगा हल्के में मत लिए। तेरे बाप दादा ने कभी गन गोली देखी है? हैं? बे सालो, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, अगर मेरा बड़ा भैया होता ना चंदन, तुम तीनों की कहाँ मार लेता। भैया मतलब कि तेरी हमसे बढ़ रही है? बे चल बे, मेरी क्यों बढ़ेगी तुमसे? पढ़नी चाहिए, तीन हम। बात तो सही है यार। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए प्रधान गुब्बल चुब्बल से हमारा माल दे दे जस से। किस किसी में दे दूं बे? तेरे क्या बाप का माल है? वो बादशाह का माल है, बादशाह का। बेटा वो माल तो बादशाह का भी नहीं है, सरकार का। ठीक है, वो माल कुछ ऐसा है, तुम क्या सरकार भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकती है? सरकार को क्या तू अंधा समझ रहा है जो अंदाजा नहीं लगा सकती? साले घर से उठा लेगी, घर से। खलील दादा पहले तो तू अपना नंबर दे। लिख 94 94 कर ले सेव। हैं? साले पूरा नंबर दे, नहीं जान से मार दूंगा। जान से तो खैर तेरा घर खानदान भी ना मार पाएगा, तू नंबर लिख 94 226 550 550 1200। अच्छा तो ठीक है, सेव किस नाम से करूं? सेव कर ले मेरा बाप। सालो औकात में रह लो, औकात में। बे क्या बका इसने? औकात की बात मत करियो साले, घर में से घसीट घसीट के मारेंगे। ठीक है, ऐसा ये कह रहा सालो, घसीट घसीट के मारोगे मुझे बर्बरी को? ठीक है, तू हाथ तो लगा के देखा, तुझे तो साला यही फाड़ देंगे हम। हाँ लगा, डर क्यों ना? डर नहीं रहा हूँ मैं। अबे तो लगा फिर। चलो रहने दो, कल को लगाऊंगा, टाइम ना आज मेरे पास। बट्टू बतेरा देखे, पर इसके जैसा एक ना देगा। बेटो इतनी बात तुम मुझसे बोल रहे हो ना, अगर मेरा बड़ा भाई चंदन होता ना, यही गोली मार देता। साले हंसी के लिए गोली मारना, अगर उसने गोली मार भी दी तो साले की छुरी भगा ले जाऊंगा। यार ये चंदन का बहुत सस्पेंस बना रहा, तू आज चंदन से मिलवाई दे, होगी तो देखी जाएगी। या तो हम उसकी छोरी पैदा कर देंगे, या तो वो हमारी छोरी पैदा कर ही ना पाएगा, क्योंकि है ना यार रणु है ना। चुपचाप यही बैठ लो, वरना साले जान से मार दूंगा आज तुम्हें मैं। तेरी बहन की छूला नौ दावत, तू बहुत जान से मारने की बात कर रहा। बिलू इतना बुरा मारा, सालन जान से मार दूंगा। फिर ये थी तेरी बहन की दावत। सालो जान से मार दूंगा। मन आया ना, मार ए मार। तेरी बहन का लूटी मारने की, हमें देख के शौक लग गया, देख रहा माल का मैं। सही कह रहा तू भैया। क्या कह रहा है? जो कह रहा साले ने ऐसा मारा, लाइक और मिली है। लाइक मिली है? देखा कैसी लाइक मिली है? पूरा वो लाइक मिली है इसके हिसाब से, तो उसे दो लाइक मिली होंगी फिर। है माल की ना, तो दो लाइक होगा। देख भाई अब माल दे दे, बहुत देर हो गई है। देखो भाई माल तो ये रहा मेरे पास, लेकिन मैं तुमको जरा सा भी नहीं दूंगा। तेरी बहन का माल तो इसके पास है, हम समझ रहे चंदन के पास है। भगवान बहन की बहन की दावत हो।
अबे तू जीने पे साथ है, जीने अगर पीछे कुछ प्रधान गोपाल, तू अब माल बिना पिटे देगा या पिट के देगा? बता भी है तुम कहाँ पे खड़े हो? सरकार की जमीन पर? नहीं, चंदन के अड्डे पर। अच्छा, यही है क्या चंदन गड्ढा? तेरी बहन की चिरों ने दावत है, छापा लगाऊं? ओए छापा वापा पर भैया, बाद में, पहले माल लेने मेरा। चल दे, ठीक है, तेरा माल है, हमारा माल है, हमारा। अभी रुकती रही बहन की। हाँ तो प्रधान भाई साहब, छुटिया कुछ 12 इंच की है। अरे प्रधान भाई, कली लगा यार, माल दे दो, हमारे दादा लगे यार, माल दो इनका। माल तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए भाई साहब, चलो टूटी हुई पटी हो गई। तुम्हारी आवाज कैसे आ गई? अरे बंदूक की नोक पता चिट्ठा पड़ जावे, ये तो मेरी आवाज है, कैसे निकली? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दे, काहे नहीं मर रहा?